राजस्थान में पिछले 25 साल से कोई भी पार्टी लगातार दो बार सत्ता में नहीं आई। इस बार बीजेपी जहां इस ट्रेंड को तोड़ने की कोशिश में है, वहीं कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। आइए एक नज़र डालते हैं राजस्थान के कुछ बेहद खास विधानसभा सीटों जिन पर सभी की नज़रें टिकी हुई हैं। 200 सदस्यीय राजस्थान विधानसभा में इस बार 199 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए। आइए एक नजर डालते हैं राज्य की उन हाई प्रोफाइल सीटों पर जिन पर सबकी नजर होगी। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की झलरापाटन विधानसभा सीट की, जहां से प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे विधायक हैं और यहीं से चुनाव लड़ रही हैं। उनके खिलाफ इस बार बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। पारंपरिक रूप से कांग्रेस की दबदबे वाली सदरपुर विधानसभा सीट से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी ने उनके खिलाफ इस बार शंभुनाथ खेतासर को उतारा है। एक और महत्वपूर्ण सीट है टोंक विधानसभा सीट, जहां से राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी ने यहां से राज्य के परिवहन मंत्री यूनुस खान को टिकट दिया है, जिस वजह से टोंक का मुकाबला दिलचस्प हो गया है। उदयपुर शहर विधानसभा सीट से राजस्थान के गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया विधायक हैं और इस बार उनके खिलाफ कांग्रेस ने अपनी वरिष्ठ नेता गिरिजा व्यास को मैदान में उतारा है। पश्चिमी राजस्थान की नाथद्वारा विधानसभा सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता सीपी जोशी चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके खिलाफ बीजेपी ने महेश प्रताप सिंह को टिकट दिया है। थार रेगिस्तान की सबसे गर्म इलाके की चुरू विधानसभा सीट से बीजेपी ने ग्रामीण विकास मंत्री राजेंद्र राठौर को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने उनके खिलाफ हाजी मकबूल मंडेला को टिकट दिया है। बीकानेर जिले की नोखा विधानसभा सीट से कांग्रेस ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर लाल डूडी को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने यहां से बिहारी लाल बिश्नोई को अपना उम्मीदवार बनाया है। अंकुश चौबे, गो न्यूज़।